नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। नजर डालेंगे आज की पांच बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करेंगे यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं, मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वहीं सूत्रों की माने तो खेल मंत्रालय WFI पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ फेडरेशन को भंग कर सकता है। ऐसे में अगर ब्रिजभूषण नहीं माने तो IOA कार्रवाई कर सकता है। पहलवानों ने IOA अध्यक्ष PT उषा को शिकायती पत्र भेजा है। इंडियन ओलंपिक संघ यानी IOA को लिखे लेटर में पहलवानों ने अपना पूरा दर्द बयां किया है। तो अब बात करें दूसरी खबर की, तो समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे, जहां ऑन स्पॉट लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस बीच सड़क मार्ग से वासीदे रोही प्रखंड के सुपासंग पंचायत अंतर्गत उफरौल गांव पहुंचे, जहां विकास योजनाओं का उन्होंने घूम घूम कर जायजा लिया और उनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री MLA MLC भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जिले में 7 घंटे तक रहकर अलग अलग योजनाओं का निरीक्षण किया और इसके साथ ही समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा की। तो वहीं अस्पताल चौक पर जीविका दीदी का नीरव कैफे का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। तो जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की थी। बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई जाति आधारित गणना की अधिसूचना को रद्द कराने के लिए 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका में जाति आधारित गणना को समाज को तोड़ने वाला बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इस याचिका पर बयान देते हुए कहा था कि हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं, जाति आधारित गणना करा रहे हैं जो राज्य सरकार करा सकती है। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समाधान यात्रा के तहत यह पूछा गया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताई और कहना उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। तो CBSE की ओर से आयोजित की जा रही CTET परीक्षा की ऑनलाइन जो बात करिए तो वो हैक हो गया है और ऐसे में आरा के सृष्टि इन्फोटेक परीक्षा सेंटर से CTET का प्रश्न पत्र हैक हुआ है और बताया जा रहा है कि सेंटर के सर्वर को हैक कर वहां के सिस्टम को रिमोट पर लेकर उसके सवाल के जवाब बाहर से दिए गए। सर्वर को एनी डेस्क ऐप के माध्यम से हैक किया गया। इधर सेंटर के डायरेक्टर रवि भूषण ने सारे आरोपों को इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो मेरे यहाँ का नहीं है, यानी मेरे सेंटर का नहीं है। और अब बात करेंगे बिहार के सभी हिस्सों में सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवा का प्रभाव है और इसके साथ नमी और कोहरे की वजह से आर्द्रता 80% है। इससे सुबह और दोपहर के बाद ठंड और दिन में धूप होने से मौसम सामान्य है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक पूरे बिहार में मौसम सामान्य रहेगा और इस दौरान कुछ स्थानों पर तापमान अप डाउन होगा। 23 जनवरी से पूरे बिहार में दिन के साथ ही रात के तापमान में भी वृद्धि होगी, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबर। कल फिर होगी मुलाकात इन्हीं तरीके से 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ और साथ ही कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार।